हाँ सर जी, मैं शुभकर्ण चौधरी, पूर्व विधायक उदयपुरवाटी, आज यहाँ हरी सिंह जी के जैविक कृषि फार्म पे आया हूँ। आज यहाँ आज एक किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्र से लोग आकर किसानों को इस बात का प्रशिक्षण दे रहे हैं जैविक खेती किस प्रकार की जाए, उसे क्या क्या फ़ायदे हैं, किस प्रकार सोलर की ऊर्जा को काम में लेकर बिजली को बचाया जा सकता है, कैसे कच्चे तेल की घाणी चलाकर उसको काम में लिया जा सकता है, गौ माता के भी दर्शन करने का। फोकस चैनल राजेश भाई के साथ आज अपा पूछा बजावा स्टैंड हो जबकि वो कच्चो रस्तो छाव श्री के लिए जहाँ भी रास्ता के ऊपर एक फार्म आवा है राजा जीवन गो आधारित जैविक कृषि फार्म अरिबाग छावसरी का नाम हो, यो एक अठे बागान बनाया है। तो ये बागान का मायने एक कोई दिल्ली कुछ लोग बाग आया है जिसका ऑर्गेनिक खेती के लिए जानकारी दे रहे हैं और प्रधानमंत्री जी की योजना निकाली है, भाई योजना को पूरा परिचय दे रहे हैं। तो एक सागे उरा पूछा है पूर्व विधायक सुभगण चौधरी और गांव का गणमान्य लोग बाग हैं काफ़ी, इसके अलावा काफ़ी जो एग्रीकल्चर कल्चर संबंधित जितना किसान ही आस पास है वह तो थाने दिखाओ उरा को एक छोटा सा ट्रेलर। मैं सुभगण चौधरी, पूर्व विधायक उदयपुरवाटी, आज यहाँ हरी सिंह जी के जैविक कृषि फार्म पे आया हूँ। आज यहाँ आज एक किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्र से लोग आकर किसानों को इस बात का प्रशिक्षण दे रहे हैं जैविक खेती किस प्रकार की जाए, उसे क्या क्या फ़ायदे हैं, किस प्रकार सोलर की ऊर्जा को काम में लेकर बिजली को बचाया जा सकता है, कैसे कच्चे तेल की घाणी चलाकर उसको काम में लिया जा सकता है, गौ माता के भी दर्शन करने का मौका मिला, सारी खेती सारा सिस्टम इनका जैविक खेती करने का मैंने देखा। बहुत ही अभिभूत मुहूर्त, बहुत ही सराहनीय काम हरि सिंह जी कर रहे हैं। मैं तो समस्त किसान बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि इसका सबको अनुसरण करना चाहिए और जीवन में इस जैविक खेती को अपनाना चाहिए, जीवन का यही जीने का आधार बचा है और इससे किसान की आय भी बढ़ रही है और किसान का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। सरकार जिस प्रयास में लगी है कि यहाँ केंद्र स्थापित करके लैब भी स्थापित की जाए, मिट्टी परीक्षण जो लैब का सूरतगढ़ में उद्घाटन पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था वो आजकल गाँव में चल पड़ा है, सारे परीक्षण सारे निरीक्षण सब कुछ यहाँ गांव में संभव है और वाकई बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है। मैं बहुत धन्यवाद इनको देना चाहता हूँ। इस सर्टिफिकेट का बहुत महत्व है, इसके बाद प्रवीण सिंह अभी ये सर्टिफिकेट है उसके बाद फिर डिप्लोमा आइएगा। आ जाओ जी, आ जाओ, चलो आते जाओ वन बाय वन। प्रवीण जी, प्रवीण जी, बाकी लोग ताली तो बजा ही सकते हैं, सबको मिलना है। संजीव कुमार जी, संजीव कुमार जी, सर सामने मेरा नाम पुशेश आत्रे है, मैं आर्य युवा केंद्र संस्था जो कि राष्ट्रीय सेवा भारती से संबंधित उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और नई दिल्ली से आया हूँ और 3 दिवसीय जो किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ गांव छावसरी जिला झुंझुनू में आयोजित किया गया, इसमें मुख्य ट्रेनर के रूप में मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। सर जी आप लोग के नाम बताओ। नमस्कार, मेरा नाम शशांक चोपड़ा है, जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और आज यहाँ झुंझुनू जिले में हम किसान प्रशिक्षण वर्ग 3 दिन के किसान प्रशिक्षण वर्ग के लिए आए हैं और किसानों को केंद्र सरकार द्वारा दी गई जानकारियाँ योजनाओं के विषय में डिटेल में समझा रहे हैं। धन्यवाद। कैसे इस कृषि में सुधार लाया जाए, कैसे जैविक खेती का उत्पादन किया जाए, कैसे किसान की आमदनी को बढ़ाया जाए, राम राम साहब। सरकारें जागरूक हैं, लोग हमारे बीच में काम करने को तैयार हैं, पर मैं इसको अपना दुर्भाग्य कहूँगा क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूँ, हम लोग इसमें ज़्यादा रुचि नहीं दिखाते। बरसों से परंपरागत खेती जो हमारे माता पिताओं ने की, हमारे पूर्वजों ने की, आज उससे अलग हम कुछ कर नहीं पा रहे। हरि सिंह जी हमारे बीच में एक उदाहरण है, पर इस उदाहरण के अनुरूप हम सब लोग, हमारे पास सेम इसी प्रकार की खेती सबके पास है, संसाधन सबके पास इसी प्रकार के हैं,
कुछ भी नया इन्होंने नहीं किया, फिर भी आज उनका फार्म हाउस, उनके किया जाने, उनके द्वारा किया जाने वाला काम हमारे लिए एक उदाहरण है। ये सारी रचनाएं इसलिए की जा रही हैं कि हम सब लोग इस उदाहरण में शामिल हो जाएं, हम सब मिलकर ये खेती करें। हमें इन बातों के लिए काफ़ी सुनना पड़ता है। किसान आंदोलन को आप लोगों ने मेरे से बेहतर देखा है, बैठे बैठे कोई ना कोई कह देगा माता हुए हैं गेहूँ का दाना तो कौन कर पाते, हरि सिंह जी कह देंगे मार दो घुमाना के बाद में गेहूँ ही हुए हैं, हनुमान जी कह देंगे देखेड़ी है बाप दादा करता है वो काम, उससे हुआ क्या? बाप दादा उन्होंने जो काम किया उससे क्या मिला हमको, हमने क्या कर पा लिया उसमें? आज हम अगर कहीं किसी प्रकार की उन्नति पर हैं तो आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं, खेती की वजह से नहीं। या तो बच्चों ने पढ़ाई करके नौकरी प्राप्त की है, या कोई व्यवसाय कोई दूसरा कर रहे हैं, खेती में रहते हुए किसान को अपनी किसानी करते हुए आगे बढ़ने का अगर रास्ता कोई है तो आधुनिक खेती को अपनाना पड़ेगा। और ये सबके सब लोग उसी बात के लिए प्रयासरत हैं। हम लोग जानते हैं जब तक खेती में ऊंट काम में आता था तो घर घर में ऊंट था, आज हमारे पास ऊंट नहीं। अब उस ऊंट को खेती के लिए ही काम में लिया जाए इसलिए ऊंट नहीं है, इस बात की इस भावना को बदलना पड़ेगा। जैसा माननीय आत्रेय जी कह रहे थे और ये बात सच्चाई है, मैं बहुत सी जगह जाने का मुझे मौका मिला है, एक किसान का बेटा होते हुए मैंने जिस प्रकार की चर्चाएं करें, बकरी का दूध पीने वाले सेंटर, कई आरोग्य केंद्र, ऊँटनी का दूध पिलाने वाले, पर उनका फायदा क्या है ये तो तब पता चलता है जब हम उनको काम को प्रयोग में लाते हैं। हम यहाँ बैठे बैठे ही खेती में जोतने की जरूरत नहीं, ट्रैक्टर आ गया, बैलगाड़ी में जलाने की जरूरत नहीं, आजकल तो पिकअप में ही सारी चीज़ें हो जाती हैं, पर उसका आधुनिक जमाने के अनुसार अगर जीना है, उस पशु को पालना है तो उसका वो काम प्रयोग भी लेना पड़ेगा जिसमें दूध उसका बहुत काम में आता है। उस ऊँट को सारी जिंदगी हम लोग जोतते जोतते जो नहीं कर पाए उस ऊँटनी के दूध में वो करामात है, बकरी के दूध में जो करामात है साइंस कह रही है, डॉक्टर कह रहे हैं। आप में और हम में से कोई ऐसा परिवार नहीं होगा, और मैं सबसे निवेदन कर दूं कि मैं तो साहब उस घर में पैदा हुआ हूं जिसमें बच्चों को बकरी चराना पड़ता था, मैंने भी चराई है। हम किसान हैं, जिस समाज से हम लोग आते हैं हमारे समाज में पहले लड़कियां नहीं पढ़ती थी, तो वो बहेड़ और बकरियां तो उन बहनों के लिए होती थी, लेकिन रविवार को हम लोग उस परिवार से भी हैं साहब जिनमें 7 दिन में एक बार लड़कियां अपने नहाने धोने का काम करती थी, उस रविवार का दिन जब हम स्कूल नहीं जाते उस दिन हमारी ड्यूटी थी कि हम बकरियां चराते, ये हर एक घर में था। मैंने शाम को गांव का मंजर देखा है जिसमें पूरे गांव में भेड़ और बकरियां भर के आती थी, जैसे कि आजकल आज के मारवाड़ के लोग चराने आते हैं, ऐसा गांव में होता था कि नहीं होता था? इसी प्रकार गाय बैल भैंस भी जब आते थे तो ये गोधुली वेला ऐसे नहीं हुई, ये गोधुली वेला जो लिखने का आप लिखते हैं कुंकू पत्री में, निमंत्रण पत्रों में, ये इसलिए थी कि गायें और पशु शाम को जब खेतों में से चर के आते थे तो धूल उड़ती थी और इतनी पवित्र मानी जाती थी, उसको गोधुली कहते हैं, वो भी सर के घर में थी। आज ये देसी गायें कई बार कई जगह छिन घूमने के बाद एक जगह मिली है कि 10 गौ माताओं 10 हमें 20 किलो वाली चाहिए। कौन सी लोगे, राठी लोगे, जर्सी लोगे, कहाँ कहाँ की गाय लेंगे, ये सारी चीज़ें इसलिए हो गई कि उनका उत्पादन ज़्यादा है। यही चीज़ हमने खेती में कर दी, खेती में भी वो खेती चाहिए, यूरिया चाहे 20 किलो चाहिए, 50 किलो डालो, 2 कट्टे डालो, पर चाहिए क्विंटल 20 क्विंटल बीघा में तो पैदा कर लिया, पर इसका लाभ क्या मिला वो जानते हैं आप? हमें, हम ही लोग, हमारे परिवार में हमने अपनी उपज को पेट में ले जाकर खाद्यान्न के रूप में प्राप्त करके कैंसर पैदा कर लिया, घर घर में डायबिटीज हो रही है, किसी को BPI हो रही है, ये सारी की सारी चीजें अगर कहीं हैं तो इनका जिम्मेदारी है हमारी खेती। मेरा दावा है जैविक खेती करने वाले लोग और उसको उस खाद्यान्न को प्रयोग में लाने वाले लोग अक्सर से इस प्रकार की बीमारियों से बीमार नहीं होते। हम कई बार कहते हैं, मैं तो सुबह से शाम तक, आप भी जानते हैं, मैं भी गमों में बैठने जाता हूँ, भगवान की मर्जी ही अति उम्र आई ही वो तो उणु ही हो, मैं इन बातों को मानता नहीं। इसका जीता जागता उदाहरण अगर आप देखना चाहते हैं कि पेस्टिसाइड से क्या बीमारियां फैल रही हैं और क्यों हमको इसको छोड़ना चाहिए, तो आप आ जाइए मेरे साथ, पंजाब से एक ट्रेन चलती है
बीकानेर में पहले कैंसर हॉस्पिटल हुआ करता था, राजस्थान में उसके बड़ा बराबर का कैंसर हॉस्पिटल दूसरा बना नहीं, उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन है। बिल्कुल है सर। क्यों ऐसा? इसलिए कि इस देश में अगर सर्वाधिक कोई पेस्टिसाइड प्रयोग में लाता है तो पंजाब लाता है, और पंजाब की उस पेस्टिसाइड ने ऐसी स्थिति पंजाब की जनता की कर दी कि वहां बीकानेर नहीं हिंदुस्तान के किसी हॉस्पिटल में कैंसर रोगियों की भर्ती होने की जगह नहीं है, जिनकी संख्या 70% पंजाब की है। इसका मतलब ये बीमारियां इन दवाइयों से, इन कीटनाशकों से, इन पेस्टिसाइडों से हो रही हैं। इनको हमने भी बढ़ावा दिया है, इसके परिणाम हम भी भुगत रहे हैं, हमारे सामने भी आ रहा है। ये नवाचार जरूर है पर सरकार आपके साथ खड़ी है। ये लोग कहां कहां से चलकर आपके बीच में आए हैं, सारी चीजें आपको बताई हैं। एक पिकअप चलेगी जो जयपुर से रवाना होगी, 5 क्विंटल ही कर पर पैदा कर पाए जैविक गेहूं, पर उस 5 क्विंटल को बेचने का बाजार है। वो पिकअप आपका माल खरीद रही है, और आपको फिर बता दूं आपकी 20 क्विंटल गेहूं और जैविक 5 क्विंटल गेहूं की कीमत बराबर है। उस बकरी का दूध की कीमत और आपकी 20 किलो वाली गाय की कीमत, दूध की कीमत आप देखिए, उसमें से उसको 20 किलो है, आपकी बकरी 2 किलो दे रही थी, कीमत में बराबर ही है। सारी चीजें आ रही हैं, बाजार बढ़ रहा है, ग्राहक मिल रहे हैं, लोगों को जरूरत है, अवेयरनेस आई है, लोगों में जागरूकता आई है। सरकार बहुत चिंतित है, पर उन लोगों को तो उदाहरण नहीं बनाया जा सकता जिनके घर में 12 बीघा जमीन थी, उन्होंने दलाली करके 1200 बीघा जमीन पैदा कर ली, किसानों को बदनाम कर दिया। ये मौका तो मुझे तब मिला जब मैं उत्तर प्रदेश में चुनाव के प्रभारी के रूप में अभी गया, तो पता चला कि राकेश टिकैत के साथ उत्तर प्रदेश का एक भी जाट, एक भी किसान आंदोलन में गया ही नहीं। सारे के सारे पंजाब के दलाल और दलाली करने वाले मंडियों के लोग थे जिन्होंने हमें बदनाम कर दिया, सरकारों को बदनाम कर दिया, कृषि को बदनाम कर दिया। उनका कृषि से कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो चाहते हैं कि किसान की जो फसल पैदा होती है वो हमारे मंडी में हमारे द्वारा हमको दलाली देकर बिके, ये उनकी इच्छा थी। आपने कई बार महिलाओं का वीडियो देखा होगा, वो बहनें ही बहुत जागरूक हैं जो कह रही हैं हम सरकार को वोट तब देंगे जब मोदी हमसे ये कहे कि कृषि कानून वापस लाऊंगा। हटाना पड़ा, वापस भी लेना पड़ा, प्रजातंत्र में झुकना भी पड़ता है, उठना भी पड़ता है, ये दिगर बातें हैं। पर न कृषि कानून गलत थे, न ये लोग जो काम कर रहे हैं ये गलत हैं। कोई भी सरकार जिसको किसानों का की अगर मदद करनी है तो सरकार को किसानों के अनुरूप चलना पड़ेगा, पर किसानों को भी सरकार की मंशा के अनुरूप चलना चाहिए। ये लोग आगे भाषण दिए, कई प्रोस्पेक्टस आपको आपके सामने रख दिए, आप नहीं पढ़ेंगे बच्चे पढ़ लेंगे, बच्चे नहीं पढ़ेंगे हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जो इन चीज़ों को पढ़ नहीं सकता हो। हमको ये उदाहरण इसलिए दिया गया है इस फार्म हाउस का कि हमें भी इसके अनुसार किसानों को अपनी फसलों को पैदा करना चाहिए, इसके अनुरूप चलना चाहिए, इस उदाहरण को और इस विचारधारा को अपने आप में समाहित करना चाहिए। सबके पास हमारे पास ज़मीनें हैं, उन्नत किस्म की फसलें, आधुनिक किस्म की फसलें, आज जो बाज़ार में काम में ली जाने वाली चीज़ें हैं उनको पैदा करना पड़ेगा। इस परंपरागत खेती को और पेस्टिसाइड वाले गेहूं को छोड़ना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि यही आपकी विचारधारा होगी, और पहले भी हम लोग कहते थे, एक बार मैं कृषि मंडी का चेयरमैन हुआ करता था, एक कृषि मंत्री थे हमारे माननीय प्रभुलाल जी सैनी, नवलगढ़ में थी मेरी वो मंडी, उदयपुरवाड़ी और नवलगढ़ दोनों के बीच में आते थे। तो ये तो दुर्भाग्य भी रहा है, बहुत बार एक किसान की मौत हो गई खेजड़ी के पेड़ से गिरने के बाद, और नियम ये था कि बबूल के पेड़ पर चढ़ने से गिरकर मृत्यु होने वाले किसान को मुआवजा दिया जाएगा। जितने लोग आप बैठे हैं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मेरे सेक्रेटरी ने कहा कि साहब इसमें खेजड़ी कहीं लिखा नहीं है, बबूल लिखा हुआ है, ये बबूल पे चढ़ता तो इसको 2 लाख रुपए मिले, उस टाइम 1 लाख रुपए मिला करते थे तो मिल जाते। मैंने कहा अच्छा, सौभाग्य से कहिए दुर्भाग्य से, वो सेक्रेटरी भी किसान का बेटा था, प्यारेलाल जी मेला। मैंने कहा मेला जी शर्म आती है, उस कृषि मंत्री ने कानून बना दिया, उसने क्या बना, किसी आईएएस ने ऑफिस में बैठ के बनाया होगा, उसने भी नहीं पढ़ा होगा, पर आप तो कम से कम ये तो बात मत बोलो। बोला मैंने ये नहीं कहा आपको, मैंने तो ये कहा कि इसमें ऐसा लिखा हुआ है। तो मैंने कहा जब तक वो बबूल पर चढ़ेगा नहीं, मरेगा नहीं, तब तक उसको पैसा मिलेगा नहीं। खेजरी पे तुमको पता है अच्छी तरह से कि खेजरी क्या है, खेजरी पे ही चढ़ना है, बबूल में हम चढ़ेंगे ही क्यों। पर ये बात राजस्थान की सरकार में चली गई, उस टाइम में कृषि मंडी का चेयरमैन हुआ करता था, एमएलए नहीं था। और जब मैंने जदोजहद करी तो सौभाग्य से किसान राजस्थान के मंडी के चेयरमैनों की मीटिंग हो गई,
और उस मीटिंग के अंदर मेरा एक मुद्दा था, मैंने कहा मुझे 5 या 7 मिनट चाहिए बात करने के लिए और मुझे बहुत सी चीज़ें डिक्लेयर क्लियर करनी है। कृषि मंत्री को बुलाया, वो आया नहीं तब तक, मैंने कहा मैं बोलूंगा ही तब जब कृषि मंत्री आएगा। वो आए, ओटीएस में एक बहुत बड़ा हॉल है, उसमें मीटिंग चल रही थी। मैंने कहा श्रीमान ये बताइए, आप जानते हैं कि खेजड़ी किसको बोलते हैं? बोला तुम्हारे यहाँ ज़्यादा होती है, हमारे यहाँ कम होती है। बबूल तो जानते हो? हाँ, बोला बबूल हमारे यहाँ खूब होती है, इसका मतलब कानून आपने बनाया। आप ये बताएं बबूल में कांटे खाने के लिए किसान जाएगा क्यों? तो वो आईएएस था, वो बोला ये खेजड़ी क्या है? तो मैंने उसको ये नहीं कहा कि खेजड़ी एक पेड़ है, और ये सच्चाई है। मैंने कहा खेजड़ी किसान की माँ है, खेजड़ी किसान की माँ है, किसी की होगी ना होगी, मेरी तो इसलिए है कि खेजड़ी के पेड़ के नीचे बैठ के तुमने पढ़ाई की है। खेजड़ी से आने वाली फसल को खिलाकर बकरियां पालकर हमने अपनी फीस भरी है, और दुर्भाग्य से उस माँ को काटकर उस खेजड़ी को बेचकर मैंने अपनी बहन की शादी करी। आप क्या कहना चाहते हैं? खेजड़ी किसान की माँ है, रात दिन हमारा उस पे चढ़ना और उतरना रहता है, बबूल के आग लगाने जाते नहीं, और उस खेजड़ी पे किसान रोजाना चढ़ता रोजाना उतरता है, उस पे चढ़ के गिरने वाले को पैसा नहीं मिलेगा। कौन सा कानून तुमने बनाया है, किसने अधिकार तुमको दिया है? मैं आपको बताऊं शुक्ला जी, रात्रि जी, आज भी उस संशोधन में शुभकर्ण चौधरी मंडी समिति के चेयरमैन नौलवे का नाम लिखा हुआ है कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, किसान को पैसा मिलने लगा। अब आज उस खेजड़ी की क्या इज्जत है? हम लोग आप लोग अच्छी तरह पता है, महंगी है, काटने में पैसा लगता है, ऐसा नहीं है। बात यह है कि उसकी पत्ती को खाने वाला कोई नहीं, उसकी पत्ती को या तो ऊंट खाते थे या बकरियां खाती थी, वो हमारे प्रयोग में नहीं आती, खेती का एक हिस्सा तो चला गया। बकरी पालेंगे तो उसकी अपने आप कीमत हो जाएगी, अब बकरी के दूध की कीमत कोई जानेगा तब बकरी पालेगा? बकरी पालेगा तो आप सब ही उसको खेजड़ी की जरूरत पड़ जाएगी। इन सब चीज़ों को हमें कई बार लोग कहते तुम कहाँ 100 साल पुराने पीछे जा रहे हो, आधुनिकता में जियो, तो आधुनिकता है क्या? ऐसी आधुनिकता में जीना चाहते हो क्या जिसमें कैंसर मिलता है, जिसमें डायबिटीज मिलती है, जिसमें बीपी मिलती है, लीवर खराब हो रही है, किडनी खराब हो रही है? ऐसी आधुनिकता को नकारना चाहिए, जैविक खेती को अपनाना चाहिए, पैसा भी मिल रहा है, किसान का की आय भी बढ़ रही है, और जो सपना हमको मात्र हो सकता है उस टाइम चुनाव की घोषणा में आपने पढ़ा 2022-23 तक किसान की आय को दुगुना कर दिया जाएगा, वो सारी चीज़ें इसी बेस पे आधारित थी। लोन माफ करना नहीं करना, ये तो छोटी मोटी बातें थी, पर खेती की परंपरागत खेती में बदलाव लाकर किसान की आय को बढ़ाया जाना था, और ये दलाल प्रथा खत्म हो जाए। आपने कभी हरियाणा और पंजाब की मंडियों में जाके देखा है? मैं भी खूब गया हूँ, आपको भी सब कुछ पता है, देखा ना आपने पंजाब की मंडियों के अंदर, किसान चाहे अरबपति हो करोड़पति हो, बेटी की शादी है तो दलाली के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि माल वहाँ डालते हैं, एक दिन ट्राली भर के डाल दी, जिस दिन पैदा हुआ फिर 5 साल खाते रहे, कभी शराब पी ली, कभी गुड़ खरीद लिया, कभी शक्कर खरीद ली, कभी बच्ची की शादी कर दी, कभी घर का कोई और सामान ले आए, और फिर खेती करते रहे। इन सब चीज़ों में सरकार बदलाव चाहती है, मीडिएटर्स को ख़त्म करना चाहती है, दलाली प्रथा खत्म करना चाहती है, और किसान का उपभोक्ता से डायरेक्ट संबंध स्थापित करना चाहती है। ये सारी चीज़ें होंगी तो आप जानते हैं बीमा, वर्षों से हम लोग खेती करते हैं, किसी ने सोचा था कि फसल का भी कोई बीमा हो सकता है? हुआ है, केंद्र की सरकार ने किया है, पशुओं का बीमा हो रहा है। लोग कहते हैं किसी फैक्ट्री में आग लगेगी तो पैसा मिलेगा, हमको कुछ नहीं मिलेगा। भैया फैक्ट्री वाला भी प्रीमियम भरता है, हम भी अपनी खेती की, हमारे पास यही फैक्ट्री है, इसका बीमा करा के हम भी अपनी खेती की को सुरक्षित कर सकते हैं, अपने पशुओं को सुरक्षित कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए, अपनानी चाहिए। थोड़ा सा नाम मात्र का पैसे से फसल सुरक्षित होती है, किसी पे वो जमाना चला गया जब हमने शुरू नई नई राजनीति शुरू करी थी, तो कांग्रेस सरकार में थी, एक तहसील को इकाई माना जाएगा, बहुत बड़ा 40% खराबा होगा, 60% खराबा होगा तो बीमा दिया जाएगा। अब किसान का एक खेत इकाई है, आप अपने यूनिट का खुद का पैसा भरते हो, उसकी प्रीमियम के तौर पर किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होता तो बीमा मिलता है, और बीमा अब वो मिलता है जो सही मायने में फसल की कीमत को होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इन्हीं से तो आय बढ़ेगी, इन्हीं से तो हम लोग आगे आएंगे। सरकारें तो चाहती हैं, ये आधुनिकता है जमाना, ये लोग भी ये चाहते हैं कि अब किसान अपनी खेती को ना छोड़े, इस खेती में रहकर भी देखिए बच्चे पढ़कर नौकरी करेंगे इसको कोई नकार नहीं सकता, हम व्यवसाय करेंगे इसको भी कोई नकार नहीं सकता, पर गाँव में बैठे हैं घर में बैठे हैं तो खेती में भी हम कुछ पैदा करें। इन चीज़ों के लिए सारे लोग मैं समझता हूँ कि यहाँ आपके बीच में आए हैं, हम इन सब चीज़ों को अपनाना चाहिए, आधुनिक खेती को जैविक खेती को अपनाना चाहिए। जिन पशुओं के बारे में चर्चा हुई है, भेड़ है, बकरी है, ऊंट है, देसी गाय है, इनको भी हमें पालना चाहिए,
इनसे हमें एक बार आप काम में लाइए, एक बार लगता है हम ही क्या है, आदत हो गई, अथा भंडार होना चाहिए, बड़ी सी वो ढेर लगना चाहिए, गेहूँ देखना चाहिए, आपको 100 क्विंटल पैदा करने की जरूरत नहीं है, अगर 20 क्विंटल के अंदर 100 क्विंटल का पैसा मिलता है तो, और मिलता तो है, आप लोग जानते हैं जैविक गेहूँ का क्या क्या दाम है, 5 से 6 हज़ार रुपये क्विंटल में बिका है, और अपने वाला गेहूँ अपने वाला 1800-2000, तो जब तीन गुनी कीमत मिल रही है, काले गेहूँ मैंने 9000 क्विंटल बेचा और 9000 रुपये क्विंटल में भी खरीदने वाले लोग यही हैं, तो 2000 रुपये की चीज अगर 9000 में बिक रही है, 8000 में बिक रही है, तो क्यों हम इस काम को नहीं कर रहे? मैं तो इसलिए निवेदन करने आया हूँ, आओ हम सब इस चीज में अपना सहयोग बढ़ाएं, इसको अपनाएं, और अब की बार आने वाले समय में, अब तो चलो फसल बोदी है, पर एक बार शुरुआत करें, चाहे छोटे से लेवल से ही सही, एक बार 10-20-50 क्यारी घर में खाने के लिए पैदा करो, धीरे धीरे इसकी शुरुआत करो, कई बार बहुत सी प्रकार के पेड़ हैं, पौधे हैं, अब लोग कहते हैं कि साहब क्या किया जाए, मैं आपको बताऊं, आपका ये जूस निकालते हैं, एक पैसे का खर्चा नहीं, किसी के खाने की चिंता नहीं, किसी के चोरने की चिंता नहीं, आपको खेती में नुकसान लगता है चारों तरफ सीमाओं पे लगा दो, सब जगह बिकता है, आपने तो जाएगो कौन, मैं तो मान लेती एक चोला का मान गाल ले, सुबह ले जाए शाम के 100 को नोट ले जाऊं, आपने भी क्या फर्क पड़ा है, हमें भी इस खेती को करना चाहिए, बिल को मैंने देखा है, बील बादाम से ज्यादा फायदेमंद पेड़ है, बादाम पर कितना ही बड़ा बादाम लगा लीजिए आप, 8 किलो से ज्यादा बादाम नहीं लगती एक साल के अंदर, मैंने महाराष्ट्र में बहुत बड़े बड़े पेड़ देखे हैं, मैक्सिमम बादाम लगती है 8 किलो, और एक बील पे 80 क्विंटल तक, 80 किलो तक, 8 क्विंटल तक, 8 क्विंटल तक बील पे एक पेड़ पे फूल फल लगते हैं, बड़ा हो जाए, हाँ लगे लगे भाई, उसकी तो बादाम की तो मैंने पूरे बड़ा से बड़ा पेड़ देखा है, उनका मैक्सिमम इसकी क्रॉप है 8 किलो, जूस भी बढ़िया बनता है भाई, बनता है, जनता पीती है, फायदेमंद है, बिकता है, खूब बिकता है बाजार में, लोग ले रहे हैं काम में, फिर इसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं, इसमें कोई दवाई नहीं लगती, इसको कोई पशु नहीं काटता, क्यों नहीं हमको ऐसी खेती करनी चाहिए, अभी हरे सिंह जी कह रहे थे 150 क्विंटल नींबू है, अब 150 क्विंटल नींबू सोचिए आप कितने होते हैं, पिछले अभी शायद आपकी वो 20 रुपये भी तो XMP आने वाली हैं, मैं पिछले साल उनके खेत में गया था तो बहुत बड़ा पेड़ में वो संतरे ही संतरे, मैंने कहा जी एक तो एक वो बोरियो बने में भर दो, बोले जी भर तो देंगे अपन, है चोरी मौके यहाँ, बोले मैं तो 4,20,000 को बेचती हूँ ना लगे अभी दिनी, और यहाँ हम बैठे हैं इतनी दूर का इतना छोटा सा खेत था, मैंने कहा मैडम चोरी तो मैं करांगे, लेट तो जाऊँगा अब सारा खेत कहीं ना लाए, तो बोला साहब हमारे नहीं है, लेकिन ये हम तो जिसने लगे उसने अगले खेत बेच दिया, अब उसको आना है पके पके तैयार है, वो सुबह आ जाए शाम को आ जाए, पिकअप भरता है बेचता है 4,20,000 दे चुका पहले, नुकसान कहीं भी किसी चीज में है नहीं, पर हमें अपनाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अच्छा लगा आप लोग यहाँ आए हैं, आपका एक बहुत बहुत धन्यवाद, आप उदयपुरवाटी में आप लोगों ने किसानों की चिंता करी, मैं आपका आभारी हूँ, और आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ अब की बार इस बात की हम शुरुआत करेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।